नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपीपीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए, जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपका पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए, जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कंप्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो टॉपिक वाइज लेक्चर सबको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का आपका जो है, जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए, केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करने ला, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे, और इसके बाद जो आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाय करना है। और जब बाय करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का, इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग तत्सम और तद्भव सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी तक जो है हमने ये सारे चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी को देख सकते हो, अप टू 13 तक का जो पोर्शन है आपका, हमने पूरा कंप्लीट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अच्छे से करा दिया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन शब्दों में जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए। तो आपको जो है तत्सम शब्द बताना है कि इनमें से कौन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे तत्सम और तद्भव के बारे में समझना होगा कि ये जो है एक्चुअली में क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ आप शब्द देखते हो हिंदी में, जो आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो वो जो शब्द आपके रहते हैं, तो वो जो है आपका कहीं ना कहीं उनका एक सोर्स होता है, जहाँ से उनकी जननी हुई है। तो देखिए, आपको मैंने शुरुआत वाला चैप्टर में बताया होगा कि जब हिंदी का जो विकास आपका हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं संस्कृत से होते हुए आए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो हिंदी भाषा है, तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है ना, तो इसमें जो है आपको चार तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको कुछ तत्सम तद्भव शब्द, कुछ देशज और कुछ विदेशी शब्द भी आपके होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो तत्सम और तद्भव ये आपको पढ़ना, देशज और विदेशज आपका सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि तत्सम और जो तद्भव शब्द है, तो ये एक्चुअली होते क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तत्सम शब्द के बारे में। तो देखिए, हिंदी भाषा जैसे कि इसका विकास आपका संस्कृत भाषा से हुआ हुआ है, क्योंकि इसी ये क्रम में चल मतलब हुआ है विकास जो हुआ है आपका। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि जो कि हमने संस्कृत वाले शब्द को ही डायरेक्टली उठा लिया और उसी को पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में भी। तो ऐसे शब्द जो सीधा आपको जो है देखते होंगे, मतलब कि वो संस्कृत के जो शब्द है एक्चुअली में, उनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द जो मिलेंगे आपको जो संस्कृत के ही है, तो उनको बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका नासिका,
मुख आपका हो गया, मुख का, जैसे मुख का मुंह आपका होता है जो सिंपली हम लोग बोलते हैं, लेकिन मुख भी आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से सूर्य है, तो हिंदी में भी सूर्य हम लोग बोलते हैं और संस्कृत में भी सूर्य बोलते हैं हम लोग। तो ये आपके क्या है, ये सारे आपके क्या है, तत्सम शब्द है। उसी तरीके से चंद्रमा है, इसको चांद भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन चंद्रमा भी आप देखते होंगे कि ये भी लिखा हुआ रहता है हिंदी में। और उसके बाद आपका रात्रि है, तो रात्रि भी देखिए रात भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, अर्थात ये संस्कृत में इसी तरीके से लिखे जाते हैं और इनको हम लोग हिंदी में भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे सब जो आपका क्या रहेगा कि संस्कृत का ही होते हैं और उनको हिंदी में हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली, तो वो आपके कहलाएंगे तत्सम शब्द। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, कि ऐसे शब्द जो तत्सम न रहकर, मतलब अब जो है ये तत्सम नहीं रहेंगे, इन्हीं से कुछ बिगड़कर बने हुए रहते हैं, मतलब उसी को थोड़ा सा और तोड़ मड़ोड़ के या फिर और जो है कुछ बिगड़ाले ढंग से उसको हम लोग बनाते हैं, कुछ नए वर्ड में फॉर्मेशन करते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं हम लोग तद्भव शब्द। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चांद, तो यहाँ पे आपने चंद्रमा देखा था, तो चंद्रमा का क्या है, ये एक संस्कृत का शब्द है जो कि एक तत्सम शब्द है। अब इसका मान लीजिए तद्भव हमें बनाना होगा, तो ये इसका हो जाएगा चांद, जो कि क्या है कि ये इसी से ही मिलके बना, मतलब ये उसी का ही ये शब्द है, बस हमने इसका क्या कर दिया, बिगाड़ के इसे दूसरे तरीके से हमने इसको लिख दिया। और भी आप देख सकते हो, जैसे सूरज है तो ये सूर्य का ही है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, और उसके बाद जैसे आपका रात है आपका, तो रात जैसे रात्रि है आपका, यहाँ पे नाक है मुख है, तो जो शब्द तत्सम न रहकर जो शब्द उसी से ही बिगड़ के हुए बने हुए रहते हैं, तो उनको बोलेंगे हम लोग तद्भव शब्द। तो इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट आपको मिलेंगे तत्सम और तद्भव शब्द के, तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा तद्भव शब्द होगा और कौन सा तत्सम शब्द आपका होगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे कुछ अगर तत्सम शब्द आपका दिया हुआ है तो उसको जो है तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे कि देखिए तत्सम शब्द है आपका चंद्र है, तो इसका जब तद्भव बनाएंगे हम लोग तो इसका आपका होगा चांद। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि तद्भव शब्द अगर चांद है तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका आपका होगा चंद्र हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यही आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मयूर आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए तद्भव होता है मोर, यानी कि ये तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द है मयूर, और ये जो है तोड़ोर, इसको जो हमने तोड़ मोड़ के बनाया हुआ जो कि आपका है मोर है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ग्राहक है आपका, तो ये ग्राहक है आपका तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट लिस्ट जो है पीडीएफ में हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जैसे पूरा कंप्लीट अपना कर लेना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है हमने इसमें लिया हुआ है, पूरा कंप्लीट है आपका, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लेना पीडीएफ से। तो यहाँ देखिए आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे इसमें, जो भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जैसे कि इसमें पूछा गया था कि इन शब्दों में जो आपका जैसे कि इसमें तत्सम शब्द है तो उसका आपको चयन करना है कि कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है अंधकार, आम, आज और आँख आपका दिया हुआ है, तो इन सभी में देखिए जो तत्सम शब्द है यानी कि जो संस्कृत वाला जो शब्द है आपका, तो वो है ऑप्शन ए, दैट इज अंधकार। तो ऑप्शन ए इसका आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे और भी जैसे दिए हुए हैं, आम है आपका, आज है और आँख है, तो ये सारे के सारे ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अंधकार आपका दिया हुआ था तो ये तो आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होगा यानी कि जो तोड़ मोड़ के जो शब्द आपका बनता है तो वो आपका होगा अंधेरा। और जैसे कि यहाँ पे आपका आम क्या है, ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द आपका होगा आम्र। और उसके बाद यहाँ पे आज आपका दिया हुआ है तो इसका देखिए होता है अग होता है। तो आप जो है इन सभी को ये भी बना याद रख लेना आप लोग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये लिस्ट आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा यहाँ पे हमने जो है सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में तो वो सारा का सारा इसमें हमने ऐड किया हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्द। यहाँ पे आप लोग जो है इस तरीके से देखना कि ये जो है आपका ये तत्सम शब्द है और ये इसका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आग का तत्सम रूप इंगित करे, तो आपको जो है इसमें बताना है कि आग का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अग्नि, अग्नि और अग्नि, तो ये सारा देखिए जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो तत्सम रूप होगा इसका तो ऑप्शन सी आपका होगा, दैट इज अग्नि, आग आपका जो है तत्सम शब्द है अग्नि का। नेक्स्ट देखिए है आपका निमांकित में तत्सम शब्द है, तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका अचरज, कुमार, ईख और निठुर दिया हुआ है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे आपको जो है बताना है कौन सा है।
तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए इसमें जो बी आपका दिया हुआ है कुमार, तो यह जो है आपका ये एक तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जैसे अचरज आपका दिया हुआ है, तो ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा आश्चर्य। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका कुमार दिया हुआ है ना इसके अंदर में, तो देखिए ये जो है आपका एक तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव शब्द होता है तो वो आपका होगा कुंवार, आपका होगा कुंवार हम लोग बोलते हैं उसे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ईक आपका दिया हुआ है, तो इसका तत्सम होता है इक्षु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है कि स्कंद का तद्भव शब्द है, तो स्कंद का जो है आपको तद्भव शब्द बताना है क्या होगा, ये आपका तत्सम शब्द दिया हुआ है स्कंद, इसका तद्भव आपको बताना है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी आपका इसका हो जाएगा, स्कंद का होता है आपका कंधा, तो कंधा जो है ये जैसे हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं हम लोग, तो वो आपका है मतलब कि जो तोड़ मोड़ के बोलते हैं हम लोग, तो वो कंधा आपका है, इसका जो तत्सम शब्द होता है स्कंधा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग इसको कन्वर्ट करके बना सकते हो, आपसे तद्भव शब्द पूछा स्कंद का तो ये आपका कंधा हो जाएगा, और अगर कंधा का तत्सम शब्द पूछे तो वो आपका स्कंद हो जाएगा। तो आप लोग जो इन सभी को याद करना, आपको पूरा लिस्ट इसमें मिल जाएगी जो हमने आपको दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। और यहाँ देखिए आपका जैसे दिया हुआ है इसके अंदर में संधि आपका दिया हुआ है, तो ये भी आपका एक तत्सम शब्द है, इसका देखिए होता है आपका तद्भव शब्द होगा सेंध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे आम का तत्सम शब्द है, तो आपको जो है आम का तत्सम शब्द बताना है क्या होगा, तो ये जो है कॉमन बोलचाल में बोलने में जाला वाला शब्द आपका है आम, और जो कि तत्सम शब्द आपका है मतलब एक्चुअली में जैसे कि आप ये जैसे ही आप बोलते हो तद्भव शब्द एक्चुअली में है आपका, तो इसका तत्सम देखिए होगा इसका आपका ऑप्शन सी आम्र। तो आम्र जो है ये तत्सम शब्द है आपका, मतलब कि जो संस्कृत में हम लोग बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका ये तत्सम शब्द दिया हुआ है आम्र, तो इसका जो है आपका तद्भव शब्द आपका होगा आम, यानी कि जो कॉमन बोलचाल में हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से आश्चर्य आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है आपका होगा अचरज आपका हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आक्षी आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए आंख होगा आपका तद्भव शब्द, तो ये जो है आप लोग याद कर लेना, पूरा कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपको जो है इन्हीं में से ही देखने को आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जितने भी इम्पोर्टेंट है तो वो सारा का सारा जो है हमने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, और ये सारे आपको वही है जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आपके जो है रिपीट आपके होते ही रहते हैं एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, तो जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं तो उनको तो हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द, अब इसको हिंदी में जब परिवर्तित रूप करते हैं परिवर्तन देते हैं उसको तोड़ मरोड़ के जब बोलते हैं तो उनको जो है हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। तो ये आपका डेफिनेशन ही सिंपली पूछा था आपका तद्भव का, तो इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपको जो है तत्सम वाला शब्द बताना है, यानी कि जो शब्द संस्कृत में जो यूज करते हैं हम लोग तो वो आपको शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य, कैंची, इंजन और तोप आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जो मध्य जो शब्द आपका दिया हुआ है तो ये जो है आपका एक तत्सम शब्द है आपका, और बाकी देखिए जो कैंची आपका दिया हुआ है तो ये तो आपका जैसे एक तद्भव शब्द है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ है इंजन और तोप दिया हुआ है आपका, तो ये इंजन तो आपका जैसे एक विदेशी शब्द है आपका, मतलब कि जो इंग्लिश में जो यूज हम लोग करते हैं वो आपका एक्चुअली में है, और तोप भी आपका जो ये भी जो है आपका ये तुर्की शब्द है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है, तो तत्सम शब्द जो है आपका किस समूह का शब्द है, तो ये देखिए दिया हुआ आपका हिंदी शब्द समूह, संस्कृत शब्द समूह, देशज शब्द समूह या विदेशी शब्द समूह, तो देखिए जो आपका तत्सम शब्द रहता है तो यह जो है आपका एक संस्कृत शब्द का समूह होता है, यानी कि जो संस्कृत में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं तो वो आपका होता है तत्सम, तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, आपको डेफिनेशन याद रखना है तो उसमें उससे भी आपको क्वेश्चन आता है, और जिस तरीके से कन्वर्ट किया था आपका तत्सम से तद्भव, तो वो तो पेयर आपको याद रखना ही है। फिर यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि बहन का तत्सम शब्द होगा, तो बहन देखिए आपका एक तद्भव शब्द है, आपको जो है इसका तत्सम शब्द बताना है क्या होगा, यानी कि जो संस्कृत में जो शब्द इसका होता है आपका, तो इसमें देखिए दिया हुआ है वहनी, बहन, भगनी और भ्रातुनी दिया हुआ है, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बहन का जो तत्सम शब्द आपका होता है तो वो है भगनी, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भगनी भी देखिए बोला जाता है
तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये बहन का जो है तत्सम शब्द है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में आपका दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है भगिनी, तो ये आपका एक तत्सम शब्द है, जो कि ये है आपका तद्भव शब्द बहिन इसका हो गया, यानी कि जो बहन है, तो बहन का ही जो आपका तत्सम शब्द आपका होता है भगिनी। तो ये आप देख सकते हो लिस्ट आपको जो है पूरा मिल जाएंगे कंप्लीट आपको इस पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का जो तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मातृ, मातृका, मातृश्री या मातुश्री दिया हुआ है, तो इसका देखिए ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मातृ जो शब्द आपका दिया तत्सम रूप है, इसका तद्भव माँ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे तो आपको याद रखना है माँ का जो तत्सम रूप आपका होगा तो ये इसका होगा मातृ, और माँ आपका क्या है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मक्खन का तत्सम शब्द है, तो आपको जो है मक्खन का तत्सम शब्द बताना है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है माखन, माक्षन, मक्षक्ष और मृक्षण, तो इसका देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृक्षण जो है तो ये आपका एक तत्सम शब्द है और मक्खन इसका तद्भव हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में जो है वो आपको त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जिसमें एरर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखते हो जैसे कि इसमें देखिए क्षीर आपका दिया हुआ है और यहाँ पे खीर दिया हुआ है, तो ये जो है आपका जैसे क्षीर है तो ये आपका एक तत्सम शब्द है, खीर तद्भव शब्द है, तो ये दोनों जो है आपका पेयर मतलब करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दही, और दही दिया हुआ है और दही आपका है, तो देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पर। अब देखिए जैसे दही और दही दोनों में तो वर्तनी का जो अंतर है यहाँ पे, तो ये जो है आपका क्या ये गलत दिया हुआ है एक्चुअली इसमें। अब इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ ना दही आपका दिया हुआ है, तो दुग्ध का दूध होता है आपका, और साथ में जो घी होता है आपका, तो घी का आपका घृत होता है, और दही जो है आपका तो उसका होता है दधी, दधी होता है इसका आपका होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिए इन्होंने गलत दिया हुआ है, दही दही वर्तनी में इन्होंने दिया हुआ है गलत आपका यहाँ पर कर दिया है। इसमें ऑप्शन बी आपको क्या होगा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये त्रुटिपूर्ण है। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे दुग्ध है और दूध आपका दिया हुआ है, ये दोनों सही है। इसके बाद यहाँ पे घृत आपका दिया हुआ है और घी, मतलब कि घी जो है आपका ये तद्भव शब्द है और तत्सम इसका घृत होता है, ये भी सही है। दूध भी आपका यहाँ पे देखिए ये क्या है तद्भव शब्द है और तत्सम इसका होता है दूध, और यहाँ पे दही और दही दिया हुआ बस वर्तनी का, इसमें जो है इन्होंने उल्टा कर दिया यहाँ पर और सीधा कर दिया दोनों का, तो ये गलत पेयर आपका दिया हुआ है। दही जो है आपका ये क्या है, ये तो यहाँ पे इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि ये जो तद्भव शब्द है ये सही है, लेकिन इसका तत्शब्द ही नहीं दधी होता है, इसका ध आपका होगा ना कि ही, तो इसका बी जो है राइट आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी जो है इसी तरीके से सीरीज आपका ये कंटिन्यू रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज का। और अगर आप लोग डिटेल में इसका पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग पीडीएफ भी बाय करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हिंदी का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।